दोस्तों नमस्कार। मैंने अभी एक वीडियो में लास्ट वीडियो में आपको बिन लादिन के बारे में काफ़ी कुछ समझा चुका हूँ। अब मैं लेता हूँ अपने साथियों जो सबसे अजीज़ हमारे हैं उनके कई सवाल रहते हैं, तो मैं उसमें से कुछ सवालों को मैं लेता हूँ और उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करता हूँ। एक साथी ने मुझसे पूछा हैप्को कंपनी कैसी है, तो मैं हैप्को कंपनी के बारे में पहले बता दूं, हैप्को कंपनी रियाद में है और सऊदी बेस कंपनी है, काफ़ी पुरानी कंपनी, 1976 में यह कंपनी शुरू हुई है और उसके शेख अहमद उनके ऑनर हैं और मिस्टर जैद खान, इन लोग मिलके ये कंपनी रन कर रहे हैं। लगभग 1600 लोगों का मेन पावर है, 1600 लोगों का मेन पावर इस कंपनी में है और काफ़ी ठीक ठाक कंपनी है, ठीक ठाक चल रही है। अभी कुछ बुराई उसके अंदर मुझे नहीं दिखती है और लोगों की सैलरी टाइम पे है। तो कोई साथी मेरे भाई हैप्को में जा रहे हैं तो बेफिक्र होके जाए, तो हैप्को में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। इसी तरह एक साथी ने मुझसे पूछा मनहुआ ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्टिंग कैसी है, तो मैं आपको बता दूं मनहुआ ट्रेडिंग कंपनी भी काफ़ी पुरानी है, 1984 में यह कंपनी एस्टेब्लिश हुई और इनका भी हेड क्वार्टर रियाद में ही है और लगभग 3000 लोगों की मैन पावर है, 3000 लोगों की, तो बहुत बड़ा नहीं होता है 3000 मगर एक कंपनी के हिसाब से, बट नॉट अ बैड, इसे बुरा भी नहीं कह सकते, तो कंपनी अच्छी है, आप इसमें जाएं। तो हैप्को मनहुआ ट्रेडिंग में आप जाना चाहते हैं तो चले जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मेरे किसी साथी ने मुझसे सवाल किया था, ऐसे तो बहुत सारे सवाल आते हैं जो मैं कभी समझ भी नहीं पाता हूँ, ऐसे ऐसी कंपनियों के नाम होते हैं जो मेरे नज़र में नहीं गुजरते हैं, शरवाकी मैकनिका, आई डोंट नो व्हाट्स द कंपनी नेम, तो दूसरा है रियाद पॉइंटर ट्रेडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग। तो रियाद एंड पॉइंटर इज़ द बहुत ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है मगर ठीक कंपनी है, अगर आपको लगता है इसमें जाना है तो बेशक जाए, इसमें जाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भी साथी बहुत सारे क्वेश्चन आपके रहते हैं दिमागों में और मेरे पास भी मसरूफियत रहती है और मैं जवाब टाइम पे नहीं दे देता हूँ, इसके लिए मैं काफ़ी माफ़ी बार बार मांगता हूँ, मैं फिर से माफ़ी मांगता हूँ कि आपके सवालात इतने होते हैं कि मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ, मेरी मसरूफियत, मेरी बिज़नेस ट्रिप, मैं आज भी सऊदी में हूँ और काफ़ी सारे मेरे वर्कलोड रहते हैं, प्रेशराइज इतना काम का रहता है कि मैं आप बहुत मुश्किल से आपके लिए टाइम निकालता हूँ। तो आपके जहन में अगर कोई सवाल है किसी कंपनी के लिए रिलेटेड, जैसे मेरी दुबई हो, सऊदी, ओमान, कुवैत, बहरीन, किधर की भी, तो आप मुझसे ज़रूर करें, मुझे जैसे वक्त मिलता है मैं आपको, जैसे ही मुझे वक्त मिलेगा मैं आपको सबसे पहला, मेरा वक्त फ़र्ज बनता है कि मैं जवाब दूँ, क्योंकि आप लोग मेरे सबसे अजीज़ हैं, आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, मेरे वीडियो को शेयर भी करते हैं, आपके क्वेश्चंस भी आते हैं, तो मेरे लिए आपसे बढ़ के कोई नहीं है। तो आपके आज मैंने दो तीन सवाल आपके थे मैंने लिया, काफ़ी सारे सवाल हैं, इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ आज से कल तक लेने का, जिनके सवाल मैं नहीं ले पाया हूँ वो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं अपने साथी को, अपने दोस्त को, अपने भाइयों को उनके सवाल का ज़रूर जवाब देने की कोशिश करूँगा। और भी कोई सवाल आपके पास है तो बेफिक्र होकर हमसे सवालात करें, मैं आपको जवाब दूंगा। और भी क्वेश्चंस काफ़ी है आपके, मुझे मालूम है कि मैं एक छोटे से वीडियो में इतने सारे जवाब नहीं दे सकता हूँ, हाँ मगर एक बार जाते जाते फिर से मैं इल्तिजा आप लोगों से करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सही एजेंसी के थ्रू जाएँ, गलत एजेंसी के थ्रू ना जाएँ, आपका पैसा है आप पैसे को बचाएं, एक अच्छे रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू जरूर जाएं, चाहे जिस कंट्री से भी आप जा रहे हो, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती आपके पूरे फैमिली को भुगतना पड़ता है। मुझे तकलीफ़ होता है जब मैं यहाँ लोगों को देखता हूँ धूप में गर्मियों में काम करते हुए और उन पर इतनी कर्ज होती है, वो अपने लिए ज़िंदगी जी नहीं पा रहे, अपने बच्चों के लिए जो कर्ज लेके आए हैं उस कर्ज को चुकाने के लिए लोग मेहनत कर रहे हैं कि किसी तरह वो कर्ज लौटा दूँ। मैं सच बताता हूँ मेरी आंखें नम हो जाती है जब उनकी मैं हालात को देखता हूँ, मैं सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ कि कितने गरीब लोग हैं, इतने पैसे कहाँ से लाएँ। तो जो बताते हैं मुझे कि मैंने किसी से लोन पे लिया, किसी से कर्ज पे लिया, किसी
सौकार से मैंने उसे इंटरेस्ट पे लिया तो मेरे दिल, वाकई बताता हूँ मैं एकदम अंदर से टूट जाता हूँ। इसलिए बोलता हूँ आप सही एजेंसी को देखें और कोशिश करें अच्छे लोगों से आने का, तो क्योंकि इतना पैसा नहीं लगता है मुझे, मैं नहीं जानता लोग कितना दे रहे हैं, मगर जो यहाँ सुनता हूँ तो मैं हैरान हो जाता हूँ, इतना पैसा नहीं लगता है जितना पैसे ये गरीब दे के आ रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग केयरफुल रहें, अपने फैमिली का ख्याल रखें, अच्छी कंपनी में आएँ। इस अच्छी कंपनी का रास्ता मैं ज़रूर आपको बताऊंगा, आप मुझसे सवाल करें, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। आपके जहन में और भी सवाल हो तो ज़रूर मुझसे क्वेश्चन करें। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार साथियों।